हेलो गाइस, हाय। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए मैक्स वेबर की और एक अच्छी बेहतरीन वीडियो लेके। और एक बोल रही हूँ क्योंकि मैंने मैक्स वेबर के ऊपर प्रीवियसली एक वीडियो दिया है जहाँ मैंने मैक्स वेबर के ऊपर एक ओवरव्यू दिया है दोस्तों। तो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए। आज मैं दूसरे वीडियो को लेके आ गई हूँ जो मैं आप सभी के लिए थोड़ी सी अलग तरीके से पढ़ाने की या समझाने की कोशिश करने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं बता दूं। बात यही बताना है कि हो सके तो मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग एक लाइक करोगे तो मुझे और बेहतरीन तरीके से आप सभी को पढ़ाने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को तो जानकारी दे ही रही हूँ, इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ भी जानना हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। पढ़ाऊंगी मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी को समझने के लिए कौन सा मेथड को यूज किया था। वही दोस्तों, मेथड का सिंपली मतलब है टूल्स। यस, अगर हमें कोई भी चीज तैयार करना हो, बनाना हो, तो उसके लिए हमें सामान की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको ईटा लगेगा, पत्थर लगेगा। ये सामान के बिना आप तो बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। तो ये सारी सामान को ही कहा गया है टूल, जिसे हम रिसर्च की भाषा में बोलते हैं मेथड। तो दोस्तों, मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी को समझने के लिए या समझाने के लिए दो टाइप का टूल्स या मेथड का उन्होंने यूज किया था। कौन सा वो टूल्स या मेथड है, चलिए दिखाती हूँ। फर्स्ट है आइडियल टाइप एंड सेकेंड है वर्स्टेहन। आइडियल टाइप क्या होती है पहले ये समझा दो, फिर वर्स्टेहन में जाऊंगी। ओके, देखिए आइडियल टाइप का सिंपली मतलब है आइडिया। आइडियल टाइप का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे लिए एक आइडियल इंसान है, हम उनके तरह बनना चाहते हैं, नहीं। आइडियल टाइप का सिंपली मतलब है जो आया है आइडिया से। यस, जो आपके दिमाग में जो सोच बनी हुई है उसी से आइडियल टाइप आई है। तो दोस्तों, मैक्स वेबर सिंपली बोल रहे हैं कि आइडियल टाइप एक टूल है या एक मेथड है, जो मेथड या जो टूल मैं आपको दे रहा हूँ सोशियोलॉजी को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। बोल रहे हैं कि ये टूल या मेथड और कुछ नहीं है, एक कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन को हम दिमागी तौर पे खड़ा करते हैं थ्रू द पॉइंट आउट। जो कि आप एक बुक के कोई चैप्टर को पढ़ रहे हो तो चैप्टर के बाद एक समरी होती है, तो समरी पढ़ के आप लोग उस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझ पाते हो। तो दोस्तों, समरी कैसी होती है, पॉइंट आउट करके नहीं होती है, फ्लुएंटली लिखा हुआ रहता है, राइट। लेकिन आइडियल टाइप को मैक्स वेबर दे रहे हैं थ्रू द पॉइंट आउट, मतलब पॉइंट आउट के हिसाब से उन्होंने कहा कि मैं एक कंस्ट्रक्शन तैयार कर रहा हूँ अपने दिमाग में कि वो किस टाइप का है, पॉइंट आउट करके, कि मुझे एक चीज समझना है कि ये चीज कैसी बनी हुई होगी या इसके अंदर क्या क्या काम हो रही है, इसका क्या क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती है, क्या क्या रूल्स फॉलो करती है, क्या क्या रेगुलेशन ये फॉलो करती है, वो जानने या समझने के लिए वो चीज के ऊपर मैंने पहले से ही कुछ कंस्ट्रक्शन मैंने तैयार करके रखा है, वो पॉइंट आउट के हिसाब से कि पहला नंबर अच्छा ये ऐसा होगा, दूसरा अच्छा इसमें ये हो सकता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने पॉइंट आउट किया है कोई भी चीज जानने या समझने के लिए कि मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं, इसके बाद प्रैक्टिकली मैं उस पॉइंट आउट से मिलाकर देखूंगा कि वो चीज प्रैक्टिकली मेरे पॉइंट आउट से कितना मैच हो रही है या नहीं हो रही है। इसी को उन्होंने कहा था आइडियल टाइप। मैं दो बातें यहाँ बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर ने कहा है कि वो जो आइडियल टाइप दे रहे हैं उसी को आप लोग फाइनल नहीं मानोगे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैक्स वेबर ने वो आइडियल टाइप दिया है कोई भी प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर तो आप उसी को प्रैक्टिकल मान ले रहे हो, मतलब कि वो क्यों दे रहे हैं कि कोई प्रैक्टिकल चीज समझने के लिए
वो पॉइंट आउट करने के लिए बोल रहे हैं या खुद दे रहे हैं, कि वो पॉइंट आउट ले जाकर आप देखोगे या समझोगे कि प्रैक्टिकली उसके साथ उसका कितना मैच है। ये नहीं कि आप वो पहले से आपने बना लिया है और आपने उसी को एक्चुअली ट्रूथ समझ लिया है बिना कुछ प्रैक्टिकली उसका रिसर्च किए बिना। ओके बोल रहे हैं नहीं, इसे प्रैक्टिकली आपको रिसर्च करके देखना पड़ेगा कि ये कितना सही है या कितना मैच हो रहा है। और दूसरा उन्होंने जो कहा है कि ये अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि मैंने जितने सारे पॉइंट आउट किया है यही उस प्रैक्टिकली चीज के लिए लास्ट है, ऐसा नहीं है। हो सके मैंने कुछ पॉइंट आउट किया है, आप जब उसको देखोगे अपने नजरिया से समझने की कोशिश करोगे तो आप और सारे पॉइंट आउट उस पर ऐड कर पाओगे या और कुछ कमा पाओगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा रही हूँ, समझ में आ जाएगा। एक बिल्डिंग बना हुआ है, अब वो बिल्डिंग जिस तरह से बना हुआ है वो आपको जानना या समझना है, तो वो जानने या समझने के लिए आप पहले से ही क्या कर रहे हो, दिमाग में कंस्ट्रक्शन तैयार कर रहे हो कि अच्छा पॉइंट आउट करके कि एक नंबर ये बिल्डिंग कितने एरिया में बनी हुई होगी, दूसरा जो आप देख रहे हो कि अच्छा इसमें कितना सारा सामान लगा है, अच्छा तीसरा इस बिल्डिंग में कौन कौन रहते हैं, चौथा वो लोग कैसे बिहेवियर करते हैं, ये सारी चीज आप पॉइंट आउट करके आपने समझ लिया है। अब प्रैक्टिकली आप उसे जाओगे समझने के लिए, एक्चुअल में आप जाओगे उसे समझने के लिए कि मैंने जो जो पॉइंट आउट किया है उसके साथ देखती हूँ इसका कितना मैच हो रहा है। तो हो सके मैं एक तरीके से देख रही हूँ, मेरे हिसाब से ये सारी पॉइंट आउट मैंने जितना दिया था उतना उससे जानने या समझने के लिए काफी है, मैंने मैच करके देखा है, कुछ कुछ सही है, कुछ देखा है मैंने गलत है। ओके ये मेरा था, ये आपका होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सके आप जब उस बिल्डिंग के बारे में जानना चाहोगे या उसके अंदर जो लोग रहते हैं उसके बारे में आप जानना चाहोगे तो आपकी पॉइंट आउट मेरे पॉइंट आउट से अलग होगी, या फिर मैंने 15 पॉइंट आउट दिया है तो आप 20 दोगे, या फिर मैंने 15 दिया है तो आप 10 भी दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करती है। मैक्स वेबर ने ये कहा है, उन्होंने कहा है सिर्फ मैं ये एक एग्जाम्पल के थ्रू दे रही हूँ जैसे आप लोगों को कोई भी रिसर्च करने के लिए ये काम आएगी या समझ में आएगी, पर ऐसा नहीं है कि मैंने जो दिया है आप उसी को अल्टीमेटली ट्रूथ समझ लो या फिर मेरे नजरिया को ही एकदम सही नजरिया समझ लो, नहीं, आपकी नजरिया को समझोगे, आप क्या एग्जाम्पल निकाल रहे हो, आप उसको किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके तो आई होप आइडियल टाइप आप लोगों को समझ में आ गई है। अब जाती हूँ वर्स्टेहेन में। देखिए वर्स्टेहेन उन्होंने दूसरा मेथड दिया था। वर्स्टेहेन दोस्तों एक जर्मन वर्ड है, इसका सिंपली मतलब है अंडरस्टैंडिंग। अब दूसरा वो क्या बोल रहे हैं मैक्स वेबर कि हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है उनको, कि एक इंडिविजुअल के साथ दूसरे इंडिविजुअल का रिलेशनशिप कैसा है, फिर एक कोई घटना घट रही है उस घटना के ऊपर एक इंडिविजुअल की बिहेवियर पैटर्न कैसी है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है लाइक हॉस्पिटल, लाइक लॉ, लाइक फैमिली, लाइक किनशिप, तो ये सारी सोशल इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर किस तरह से फंक्शन हो रही है, मतलब कि इसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। ओके आपको ये सारी चीजें अगर रिसर्च करना है, जानना है, समझना है तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे कि एक दूसरे के साथ लोग किस तरह से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी घटना घटी है तो उस घटना के बीच एक दूसरे लोगों की मतलब एक इंडिविजुअल की या दूसरे इंडिविजुअल की क्या है बिहेवियर पैटर्न कैसी है, आपको ये सारी चीजें अगर जानना समझना होगा तो आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके दोस्तों आप ये अंडरस्टैंड कैसे करोगे, उसके लिए मैक्स वेबर ने 3 वेज दिया है कि आप ये 3 वेज या 3 तरीकों से समझ सकते हो कि आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे। फर्स्ट उन्होंने क्या दिया है, ऑब्स्टेकल एंड चॉइसेस, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि आप एक इंडिविजुअल के ऊपर रिसर्च कर रहे हो कि एक इंडिविजुअल ने क्यों जल्दी शादी कर ली है। अभी तो हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हाँ, तो 21st सेंचुरी में एक लड़का इतना जल्दी क्यों शादी कर लिया है, आपको ये जानना है। तो आप कैसे ये जानोगे, उसके ऑब्स्टेकल को भी देखोगे और चॉइसेस को भी देखोगे। कैसे देखोगे कि वो क्या कोई प्रॉब्लम में आपके शादी कर लिया है,
हाँ, कि कोई प्रॉब्लम था इसीलिए उसको जल्दी शादी करना पड़ा, या घर के लोग उसे क्या फोर्स कर रहे थे कि तुम्हें शादी करना पड़ेगा, जल्दी शादी करना पड़ेगा, या फिर ये उसकी चॉइसेस थी कि मेरी ये चॉइस थी, मैंने किया है, तो क्यों इतनी जल्दी आपने शादी किया है। हाँ, तो आपको उसके दो तरीकों को ही समझना पड़ेगा या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक ऑब्स्टेकल, एक चॉइस कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों की। दूसरा जो कि उस ऑब्स्टेकल या उस चॉइस को आप किस तरह से समझोगे, तो दूसरा वो जो बोल रहे हैं कि काम एट सेम वेवलेंथ, मतलब कि जो लड़का जल्दी शादी कर लिया है, ओके, तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम रही होगी शादी करने के पीछे, या फिर उसकी क्या वो चॉइसेस थी शादी करने के पीछे, ये आप कैसे समझोगे कि वो जिस जगह पे है आपको उस जगह पे खड़ा होके ही उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मतलब जगह मतलब परिस्थिति, सिचुएशन, कि वो किस सिचुएशन में था कि वो मजबूर हुआ था शादी करने के लिए, या फिर वो उसकी चॉइसेस थी, उस सिचुएशन में खड़े होके ही आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो ही आप एक्चुअली में अंडरस्टैंड कर पाओगे कि उसकी जल्दी शादी करने के पीछे वो उसका ऑब्स्टेकल था या चॉइसेस थी। ओके, मतलब कि नॉर्मली आप बहुत अमीर हो और आपके बगल में एक बहुत गरीब इंसान रहता है, ओके, आपको मन हुआ कि वो गरीब जो इंसान है वो अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करता होगा इतने कम पैसों में, हाँ, कैसे उसकी जिंदगी कटती होगी, ये आपको जानना या समझना है, तो आपको उसी गरीबी में जाके रहना पड़ेगा। आप ऊपर ऊपर से नहीं जान सकते हो, नहीं समझ सकते हो, नहीं, उसकी सिचुएशन को अगर समझना होगा तो आपको उसके हिसाब से ही रहना होगा, जानना होगा, तो ही आप समझ पाओगे। ओके, आई होप समझ में आ गई है। थर्ड जो वो बोल रहे हैं, अनबायस्ड, मतलब कि आप उस लड़के जिसने जल्दी शादी कर ली है, अब उसकी वो चॉइस थी या फिर उसका वो ऑब्स्टेकल था, ये जानने के लिए आपको अनबायस्ड होना पड़ेगा। अनबायस्ड मतलब कि आप बायस्ड नहीं होंगे, वहां आपकी पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगी कि हो सके वो उसकी चॉइसेस रही होगी कि उसने जल्दी शादी कर लिया, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि अरे यार उम्र नहीं हुई है, तुमने शादी कर लिया है, हाँ, कोई जॉब नहीं करते हो, शादी जिससे किया है उसे रखोगे कैसे, क्या करोगे, नहीं करोगे आगे, फैमिली ने चाहा नहीं फिर भी इतना जल्दी शादी क्यों कर लिया, अब ये सब बायसेस नहीं ला सकते हैं। आपको अनवाइज्ड रहना पड़ेगा, क्या कि सिर्फ उसकी सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा कि वो उसकी ऑब्स्टेकल थी या फिर उसकी चॉइसेस थी, जो भी था आप उसी को सिर्फ रिसर्च करोगे, जो हुआ था एक्चुअली में उसी को रिसर्च करोगे, ऐसा नहीं है कि आप वो रिसर्च करने गए और आप बायस्ड हो गए कि ये पसंद नहीं था उसने क्यों जल्दी शादी कर लिया, ओके, ये उसकी चॉइसेस थी तो क्यों थी, तो आप उस रिसर्च को प्रॉपरली नहीं कर पाओगे क्योंकि आप वहां आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। रिसर्च की जो ट्रूथ है अल्टीमेटली जिसे हमें चाहिए वो एक्चुअली में नहीं आएगा अगर आप बायस्ड हो जाओगे, तो आपको अनबायस्ड होके ही वो रिसर्च करना पड़ेगा कि वो लड़के ने जो शादी की थी वो उसका चॉइस था या ऑब्स्टेकल थी। ओके, तो उन्होंने दो टाइप ऑफ मेथड दिया था, आइडियल टाइप एंड भार्स्तेहन। आइडियल टाइप जो आइडिया से आई थी, जो हमारी दिमागी सोच है उसके अनुसार आई थी, और उसी के अनुसार हम एक एक चीज पॉइंट आउट करते थे और उसी पॉइंट आउट को ले जाके हम प्रैक्टिकली मैच करना चाहते थे कि वो उसके साथ कितना मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि जो मैंने बनाया है यही अल्टीमेटली ट्रूथ नहीं है, आपका बना हुआ दूसरा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरे से और बेहतर हो सकता है, या मैंने जो पॉइंट आउट किया है आपका उससे ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या आप पे डिपेंड करता है। ओके, दूसरा उन्होंने क्या कहा था, भरते हैं, जिसका मतलब था अंडरस्टैंडिंग, कि आपको लोगों को समझना होगा कि सिचुएशन को समझना होगा, उनकी रिलेशनशिप को अगर समझना होगा तो आपको उसके जगह पे रह के ही समझना होगा, आप ऊपर ऊपर से नहीं समझ सकते हो, आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो ही आप एक्चुअली जो रिसर्च कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आई होप आपको आइडियल टाइप एंड वर्स्टेन समझ में आ गई है दोस्तों। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।